डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत में मानव अधिकार, वुमेन राइट्स इन इंडिया। अपनी प्राचीनता के काल में भारत ने स्वयं मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया था, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात वह मानव अधिकारों का बड़ा समर्थक रहा है। भारत द्वारा अपने नए संविधान का निर्माण करके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में की गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। इस अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक और कानूनी व्यवस्था की गई। ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं। भारत सरकार ने मानव अधिकार के संबंध में अपने उत्तरदायित्व को भलीभांति निभाने के लिए अनेक आयोगों का भी गठन किया है, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आयोग का गठन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना 27 दिसंबर 1993 को की गई थी। इसकी स्थापना के लिए भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश प्रस्तावित किया था। राज्य स्तर पर सम्मान आयोगों के स्थापना के लिए भी अध्यादेश में प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश को प्रस्तावित करने के लिए लोकसभा ने 18 दिसंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण विधेयक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल पारित किया। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 8 जनवरी 1994 को यह अधिनियम बन गया, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1994 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों तथा मानव अधिकार न्यायालयों के गठन के लिए प्रावधान किया गया था, जो मानव अधिकारों तथा उनसे संबंधित मामलों के बेहतर संरक्षण के लिए था। इस अधिनियम की धारा 2(घ) में मानव अधिकार संघ की शब्द की परिभाषा ये कहते हुए की गई है कि मानव अधिकारों का तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतर्राष्ट्रीय परसंविधाओं में संहित व्यक्तियों का प्रमाण स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकारों से है जो भारत के न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय हैं। अधिनियम के द्वारा भारत के एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई तथा राज्यों में मानव अधिकार आयोग की और जिलों में जिला मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन इस प्रकार किया गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना अधिनियम के अध्याय 2 के अनुसार किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार एक ऐसे निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से जाना जाएगा। आयोग के 8 सदस्य होंगे और भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग के अन्य सदस्य उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवा विमुक्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। मानव अधिकार के क्षेत्र में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 प्रसिद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। अध्यक्ष तथा सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। वे दूसरी अवधि के लिए भी पात्र हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु तक आयोग की सेवा कर सकता है। आयोग का एक महासचिव हो जो अपने कार्यों का संपादन करने के लिए दी गई शक्तियों को ध्यान में रखेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उसके पद से उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई जांच के बाद संबंधित रिपोर्ट देने पर कि अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी अन्य सदस्य को
कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाएगा और राष्ट्रपति अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है यदि वह दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया हो। नंबर दो, वह पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य के अतिरिक्त किसी अन्य वैतनिक नियोजन में संलग्न हो अथवा वह मानसिक या शारीरिक शैथल्य के आधार पर अपने पद पर बने रहने की योग्यता न रखता हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकर्चित घोषित किया गया हो अथवा ऐसे अपराध के लिए दोषी दिया दंडित किया गया हो जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधर्मता के अंतर्गत हो। उपरोक्त के अलावा केंद्र सरकार इन आयोगों को भारत सरकार के सचिव की श्रेणी का एक अधिकारी उपलब्ध कराएगी जो इस आयोग का महासचिव होगा और इसके अतिरिक्त आयोग के कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए पुलिस और अन्वेषणकर्ता को सरकार उपलब्ध कराएगी जो आवश्यकता समझी जाएगी। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा आयोग केंद्र सरकार से अनुमति लेकर भारत के अन्य स्थानों पर भी कार्यरत या अपना कार्यालय स्थापित कर सकता है। ये था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। थैंक यू।